हाँ करवाते हैं, और मैं अपने दांतों की स्केलिंग हर 6 महीने पर करवाता हूँ। मैं बहुत ही वाहियात पेशेंट हूँ क्योंकि मैं बहुत हिलूंगा डिलूंगा। कह रहे हैं कि डॉक्टर शिवानी डर रही है। वाओ माय टीथ आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज डॉक्टर अमन सिंह लाइव एंड दिस इज डॉक्टर निशा। और हम आपको हमेशा से बोलते हैं पेरिडोंटल हेल्थ, मतलब हमारे मसूड़े हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत पेशेंट्स बोलते हैं कि क्या डॉक्टर साहब आप अपने दांतों की स्केलिंग करवाते हो? हाँ करवाते हैं, और मैं अपने दांतों की स्केलिंग हर 6 महीने पर करवाता हूँ। अभी 6 महीने हो गए, 6 महीने से थोड़ा ज्यादा हो गए बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। तो आज मैं अपने दांतों की स्केलिंग करवाऊंगा। स्केलिंग करवाने से हमारा पेरिडोंशियम यानी हमारे मसूड़े दांत की पकड़ मजबूत रहती है। और डॉक्टर दिशा के सेफ हाथों में मैं बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर दिशा, आप प्रकाश डालिए। प्रकाश ये तो स्केलिंग के बाद ही पता चले। ठीक है, सो विश मी लक। सो विश मी लक एंड टेक केयर। योर मैन लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, डॉक्टर अमन सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय। दिशा मैम यहाँ मुझे खाना बहुत पसंद है, प्लीज यहाँ से शुरुआत कीजिए। और मुझे, मैं बहुत ही वाहियात पेशेंट हूँ क्योंकि मैं बहुत हिलूंगा डिलूंगा अब मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं हमेशा हर 6 महीने पे स्केलिंग करवाता हूँ। बहुत डर लग रहा है और मैं हर 6 महीने पे स्केलिंग करवाता हूँ। चिकन फंसा हुआ है ना, दमदार वाला था ना चिकन, में दांतों में फंसा हुआ। मुंह तो खोलो, बड़ा मुंह खोलो। ऐसी है आप भी यही बोलते थे, बड़ा मुंह खोलो। लेट डॉक्टर डिसाइड। ठीक है, मुंह खोलो, मुंह ही नहीं खोल रहे हो। मैं आंख में टाइट हो गया, मुंह खोल नहीं रहे हो ना। डॉक्टर दिशा कह रही है कि डॉक्टर शिवानी डर रही है क्योंकि ये पेचडू की नौकरी खास है। एरिया वो टूथ के ऊपर रहेगा। वाओ माय टीथ आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एकदम मोती की तरह चमक रही है, एकदम मोतियों की तरह। मेरी आंखें चौंधी आ रही है रोशनी। मेरी आंखें चटवे इतने से आप तक कभी नहीं देखे। थैंक यू डॉक्टर दिशा, आपने इस पूरे को इतनी जिंदगी दे दी। पैसे लगेंगे इसके? ओके कितना भी अच्छा नहीं हुआ। देखो चल नहीं यार, आई डोंट नो, मैंने पहली बार ये स्टेशन में ही पॉलिश किया था, उसको मैंने क्लीन कर दिया था। हे अगान, यू आर माय फर्स्ट पेशेंट। चलो तो ये आंखें गिर गई है सुनकर। अब वेस्ट कर दूं मैं ना खाना। आप एकदम अनकोऑपरेटिव पेशेंट, मुंह खोलो।
खोलो ना, वो खोलो। आपको क्या लगता है शिपाली सर इतने दिन मैंने जान खा जाती नहीं किसी की? वो खोलो, वो खोलिए, वो खोलिए, वो खोलिए। तो ये चाचा लगे हुए ये तो बता ना, थोड़ा 5.5 किलो अधिक आ गई। मुंह ही क्या है, इतने बड़े मुंह का भी कोई नहीं। मेरा नाम अमन है। आपकी एज कितनी है सर बताइए? 33। हमने आपकी स्केलिंग की है ऊपर के दांतों की और नीचे के सारे दांतों की, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मैंने पहले भी काफी बार स्केलिंग करवाया है, मैं हर 6 महीने पर स्केलिंग करवाता रहता हूँ, लेकिन जो डॉक्टर दिशा के हाथों में शफा है वो मुझे कहीं नहीं मिली। सो क्योंकि इनके क्लिनिक में भी डॉक्टर शफाली है जिनके हाथों में काफ़ी शफा है, सो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और मैं कोई खून पता करने वाला आपको खून पता करने वाली कोई खून पता करने दर्द कितना पूछना तो था, एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई पेन तो नहीं हुआ? सॉरी कोई नहीं, रिकॉर्डिंग होने वाला। आपको दर्द कितना हुआ? आपको कोई पेन तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। मैं हर बार ओडोंटोस डेंटल हॉस्पिटल में ही अपनी स्केलिंग करवाऊंगा। 1 से 10, 1 बिल्कुल दर्द नहीं, 10 बहुत ज्यादा दर्द। तो कितना आप 1 से 10 में आप क्या रेटिंग देंगे? जैसे कि 10 बहुत ज्यादा दर्द है और 1 बिल्कुल भी पता नहीं लगा, या माइनस में? 2 मतलब अगर 1 बिल्कुल दर्द नहीं हुआ तो मुझे 2 पता लगा, थोड़ा सा पता तो लगता ही है। डॉक्टर मन, हमारे पास हर 6 महीने पे स्केलिंग करवाने आप लोगों को क्या सलाह देंगे? मैं हर 6 महीने पे भी दांतों की स्केलिंग करवाता हूँ, चाहे मैं US हूँ, कनाडा हूँ, ऑस्ट्रेलिया हूँ, जिम्बाब्वे हूँ, मैं चाहे किसी भी कंट्री में हूँ, मैं स्केलिंग जरूर करवाता हूँ। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस मैम के साथ रहा है दैट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। सो ये है सफल।